हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम व्यापम जेल प्रहरी के 18 जुलाई 2017 के 12 PM के मैथ के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 18 जुलाई 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 9 AM वाले मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। एंड और जो मैथ का जो तीसरा पार्ट है, उसमें हम 12 PM के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करा रहे हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि किसी भी संख्या का 5/6 भाग 1440 है, उसी संख्या का 1/3 भाग क्या होगा। तो दिया हुआ है कि एक मिनट, तो इसके लिए हम मानना पड़ेगा कि हमारी संख्या, देखो हम मान लेंगे कि हमारी जो संख्या है कि वो x थी, ठीक है, हमारी संख्या x थी, टोटल संख्या। उस संख्या का 5/6 कितना दिया हुआ है, 5/6 दिया 1440, तो x इंटू 5/6 = 1440 दिया है। तो मैं वह संख्या निकाल लूँगा, वह संख्या कितनी होगी, x बराबर 1440 × 6, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये अपना जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये अपनी संख्या आ जाएगी 1728। यहाँ 1728, देखिए अपनी संख्या आ गई 1728। अब पूछ रहा है इस संख्या का 1/3 बताना, इस संख्या का 1/3 चाहिए, तो बस इस संख्या में 1/3 कर देंगे, 1/3। अब जो भी ये आएगा वो अपना आंसर आएगा, जब इसे इसका 1/3 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 576। तो ये अपना ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 450 रुपये की एक राशि का 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये ब्याज कितने समय में होगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या कर लेंगे, हम देख रहे हैं, हम क्या करेंगे कि हम पता कर लेंगे कि ये कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, ठीक है, जो 81 हो रहा है 450 से वो कितने परसेंट का हो रहा है। तो ये इसे निकालने के लिए देखिए क्या कर देंगे हम, 81 कितने में हमें निकालना, 450 में, 81/450 × 100, तो ये हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट है। तो ये हो जाएगा अपना 18%, यानी कि ये जो बढ़ोतरी हो रही है अपनी, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है अपना, वो 18% का आ रहा है। तो हमें टाइम बताना है, तो टाइम बताने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा रेट लग रहा है, रेट कितना लग रहा है, देखो रेट इंटू समय, टाइम जो होता है, बराबर हो जाएगा जो भी ये परसेंट में चेंज हुए, जो भी ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये 18, तो ये रेट कितना था, 18% होगा, ठीक है। तो ये रेट कितना था, 4.5 था, तो 4.5 × और टाइम कितना दिया हुआ, हमें टाइम निकालना है, सॉरी, इक्वल टू 18। तो ये परसेंट था और यहाँ पर 4% था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ इधर 18 लिख रहा। तो अपना जो टाइम हो जाएगा 18/4/4.5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 4 वर्ष, 1 0 ऊपर चला जाएगा और काटेंगे तो 4 वर्ष आ जाएगा, 4 वर्ष ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु सीता की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष बाद माँ की आयु सीता की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में हमें बताना है सीता की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हम मान लेंगे यहाँ, ओके, ये मान लिए सीता की, ये मदर की हो गई, मैं इधर लिख रहा हूँ मदर, एम से डिनोट कर रहा हूँ और सीता को एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इनका आयु का रेशियो कितना, 10 वर्ष पहले, देखो 10 वर्ष पहले है, तो यहाँ मैं -10 कर दे रहा हूँ, 10 वर्ष, ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बस ऐसे ही चलिएगा। अब क्या कह रहा है कि उनकी आयु जो भी है 10 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी सीता की माई की माँ की आयु, तो सीता की माँ की आयु जो मदर की आयु हो गई 4 हो गई,
और जो सीता की हो गई वो 1 हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद यानी कि 10 प्लस 10 वर्ष 10 ईयर कर देंगे, क्या होगा कि सीता की आयु की दोगुनी हो जाएगी, उसकी माँ की आयु सीता की आयु की दोगुनी रह जाएगी, ठीक है। यहाँ तक पूरे सी 1 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेंगे। यदि रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं इसके बीच में डिफरेंस कितना है, जो आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 0, यानी कि रेशियो सेम नहीं है। हमें तो रेशियो सेम नहीं, तो रेशियो समान करने पड़ेगा। तो रेशियो समान करने के लिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों के बीच डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस आया और इनके बीच में 1 का है। अब ये जो 3 था, 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 था ऊपर मल्टीप्लाई की, तो नया रेशियो, नया रेशियो क्या हो जाएगा, ये मदर हो गई और ये सीता हो गई। तो नया रेशियो जब होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 का, और इसमें मल्टीप्लाई करेगा 3 का। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, नीचे करेंगे तो 3 दुनी 6, और सॉरी नीचे 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, नीचे डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉरी देखो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पर डिफरेंस अगर 1 का आ रहा है तो ये 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, जब 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 का जब 4 में 1 4 हो गया, 3 में 3 है, बिल्कुल सही है। और जब 3 का मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 एकम, हाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पास 1 आ जाएगा, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। आगे अब देखो इन दोनों के बीच अब डिफरेंस देखेंगे, 2 का हो रहा है और इसके बीच में 1 का हो रहा है, यानी कि रेशियो अपना सेम रेशियो आ गया, ठीक है। अब सेम रेशियो आ गया तो ये रेशियो बराबर हम क्या करते हैं कि जितनी भी एज जो हो रही थी यहाँ पास बढ़ या घट रही थी, देखो 10 वर्ष पहले था और 10 वर्ष बाद था, तो ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो ये 20 ईयर हो जाएगी, ठीक है। आप ये ऐसा ना करिए -10 है तो +10 है तो क्या, अब 0 कर दे, 0 नहीं करना है। 10 वर्ष पहले था और 10 वर्ष बाद है, तो इन दोनों पहले और अभी तक के जो डिफरेंस हुआ एज का 20 ईयर हुआ, तो ये 2 = 20 कर देंगे, ठीक है। तो एक पार्ट अपना आ गया 10 आ गया, ठीक है, एक पार्ट अपना 10 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है हमें, सीता की वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु हम इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, हम दोनों रेशियो से निकाल सकते हैं सीता की वर्तमान आयु, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले रेशियो से ही निकाले ले रहे हैं। तो देखो सीता की आयु पूछा है तो हम सीता की आयु भी बताएं, सीता की ऊपर क्या एक पार्ट है, तो सीता की आयु के लिए क्या था ऊपर एक, सॉरी यहाँ पर एक पार्ट था, तो एक पार्ट इक्वल टू 10 था, तो यहाँ 10 साल होंगे। सीता की आयु 10 साल है, पर 10 साल पहले उसने वर्तमान की है, तो हमें 10 को ऐड करना पड़ेगा। जब हम 10 को ऐड कर रहे हैं तो ये अपना आ गया 20 वर्ष 20 साल। तो सीता की भी प्रेजेंट एज जो है 20 साल है, ठीक है। अगर उसकी माँ की प्रेजेंट एज पूछ लेता तो माँ की आयु यानी 4 पार्ट था, तो मदर की जो होती तो मदर की क्या आयु होती, 4 × 10 ये हो गया 40, और 10 वर्ष पहले 40 था, अब प्रेजेंट में क्या होगा 10 को ऐड करना पड़ेगा, ये उसकी जो मदर की एज होगी वो हो जाएगी 50, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जनरल अपने सैनिकों को पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में व्यवस्थित करता है, पूर्ण वर्ग वाली, इस बात का ध्यान रखना पूर्ण वर्ग जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें व्यवस्थित करता है। तो ऐसा करने पे पता पता है सॉरी ऐसा करने पर वह पाता है कि 60 सैनिक बच जाते हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या इतनी है 81-60 है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या हमें बताना है, तो प्रत्येक पंक्ति में हमें सैनिकों की संख्या बताना है, ठीक है। तो मैं इधर थोड़ा पेन चेंज किए ले रहा हूँ, रेड कलर। देखो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी अपना हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने हम अपने पास सैनिक है, अपने सैनिक है 8160, और इसमें 60 बच रहे हैं, तो जो 60 बच रहे हैं हम इसमें 60 को माइनस कर देंगे, तो -60 कर देंगे, और ये जो आया कितना 8100। अब 8100 जो होता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है,
तो हम उससे जब रजिस्टर कर देंगे तो हमें पास पता चल जाएगा कितने अपने पास पूर्ण सैनिक हैं। ठीक है, तो यक मान लेंगे पंक्ति में जो सैनिक हैं तो हम मान लेंगे एक्स है। ठीक है, तो अब इसका पूर्ण स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम कर देंगे 8100। ठीक है, अब एक्स बराबर क्या होगा, रूट ऑफ द 81, 8100, तो एक्स का मान कितना आया, 90 आ गया। ये ऑप्शन सही, ठीक है, डी ऑप्शन। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो बिल्कुल इस सेम मेथड से करेंगे, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड करने की कोशिश करेंगे तो एक तो टाइम लगेगा और दूसरा गलत होने के भी चांस। देखिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ा दे तथा हर जो है 500% बढ़ा दे, तो हमें बताना है कि परिणामी भिन्न इतना 20/27 है तो मूल भिन्न क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम ये परसेंटेज जो दिया हुआ है 400 500, हम इसका फ्रैक्शन निकाले ले रहे हैं, मतलब परसेंटेज से हटा दें कि ओरिजिनल वैल्यू निकाले रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 400% था। ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 400 था, परसेंटेज हटाने के 100 से डिवाइड करने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 400/100, ये अपना 4 आ गया। ठीक है, और नीचे ये 500 के लिए क्या होगा, 500/100, ये अपना 5 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या मान लेंगे कि अपनी जो संख्या थी, संख्या का हर जो था, हर मान लेंगे एक्स था। ठीक है, हर जो अपना एक्स था, अब उसमें एक्स में कितने की बढ़ोतरी हो रही थी, 4 की बढ़ोतरी होती है, 400% की बढ़ोतरी हो रही। तो जो बढ़ोतरी होने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपना बन जाएगा 5x। एक्स तो पहले से था और 400 की और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5x। हर क्या था, हर में हर मान लेंगे वाई था, और वाई में 5% 500% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 5 और बढ़ रहा है, यानी 5y और बढ़ जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 6y। 6y इक्वल टू फ्रैक्शन, अब ये जो फ्रैक्शन है दिया हुआ है इसके बराबर दिया है 20/27 दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बटे वाई जो होगा, देखो 20/27 इंटू ये जो ऊपर वाला 5 था डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, और जो 6 था ऊपर चला जाएगा 6। और जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो अपना आंसर आ रहा है 8/9। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने धन का 12/1/2% खो देता है, यानी कि जो भी वो कमाता है उसका 12/1/2 खो देता है, और बची हुई राशि का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपये बचाता है, तो बताना है कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। ठीक है, तो मान लेंगे, लेटर सपोज कर लिया कि उसके पास ओरिजिनल में 100 था। ठीक है, 100 था, 100% था। अब क्या है कि 100% में 12/1/2 खो देता है, 12/1/2 यानी कि 12.5%। यानी देखो कैसे हुआ, 12/1/2 जो था हम इसे लिख सकते हैं 24/2, सॉरी 25/2, 12 × 24 एक 25/2, ये हो गया 12.5। तो 12.5 खो देता है, तो माइनस 12.5 जब करेंगे तो इसके पास कितना बचा, जब 12.5 हर घटा देंगे इसमें 100 में, इसके पास आ जाएगा 87.5। अब क्या कह रहा है कि ये जो 87.5 है, ये 87.5 जो है इसका 70% वह खर्च कर देता है, तो हम 87.5 का 70% निकालेंगे। तो देखो 87.5 का 10% क्या होगा बताओ, 10% निकालने के लिए हम एक पॉइंट राइट राइट से लेफ्ट की तरफ कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.75 हो गया। ठीक है, 100% 87.5 है तो 10% कितना हो गया, तो 70% निकालने के लिए हमें 8.75 × 7 करना पड़ेगा, तो ये जो भी अपना आएगा वो हो जाएगा 70%, ये अपना आ जाएगा 61.25। ठीक, अब इसमें हम 61.25 को माइनस करेंगे, 61.25 जो भी अब आए बचेगा वो उसका
उतना परसेंट बच रहा है, और वो जो परसेंट बच रहा है देखिए हम इसको माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, ये आएगा 26.25। अब ये जो 26.52 दिया हुआ है परसेंट, ये परसेंटेज दिया हुआ है 210 के, तो हम एक निकाल लेंगे, 1% निकालने के लिए 210 अपन 26.25। जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये अपना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 1% इक्वल टू 8 है। तो 100% निकालने के लिए 8 × 100 ये अपना आ जाएगा है 800। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने के प्रत्येक पारी का औसत 72 रन प्रति पारी दिया हुआ है, ठीक है, 72 रन दिया हुआ है, उसकी पारी का औसत दिया हुआ है। तो अगर अगले वह 4 पारियों में केवल वह 80 रन ही बना सका, 4 पारियों में वह 80 रन बना सका, तो हमें बताना है कि, और बोलना है कि उसकी जो बैटिंग था इन 4 पारियों के कारण उसका औसत जो है 2 रन प्रति पारी घट जाता है। तो हमें बताना है कि आखिरी मैच तक उसके द्वारा कितनी पारियां खेली गई हैं, ठीक है। तो देखो हम मान लेंगे 100 रुपये कि उसने एक्स पारियां खेली हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी पारियां खेली है, कुछ पारियां हैं एक्स पारियां हैं, ठीक है, हम बिल्कुल ट्रिक का यूज करेंगे, एक्स पारियां हैं और एक्स पारियां जो भी हैं उसके एवरेज दिया हुआ है उसने 72 दिया हुआ है, इस एक्स पारियों को 72 दिया, और कह रहा है यदि वह 4 पारियां और खेलता है, 1 2 3 4 4 पारियों खेलता है और उन 4 पारियों में 80 रन बनाता है, ठीक है, तो मैं 4 पारियों में 80 रन बनाया तो मैं इनका औसत निकाल लूँगा, औसत जब निकाला तो ये अपना कितना हो गया 20 आ गया, ठीक है, इन 4 पारियों का औसत उसका 20 आ गया। इस 20 के कारण जो उसका टोटल औसत होगा 2 घट जाएगा, यानी ओरिजिनल 72 था और 72 में 2 घट गया तो अपने पास अब बचा टोटल 70, उसका एवरेज इस समय 70 बच रहा है, ठीक है। तो हमें पारियाँ निकालना है, तो हम मान लेंगे 100 रुपये इस ये जो पारियाँ खेली गई थी, इसमें जो पारियाँ खेली गई थी एक्स मान लिया, ठीक है, तो एक्स पारियाँ खेली गई थी, तो हम करेंगे एक्स इंटू, अब ये जो 70 था ये टोटल एवरेज माइनस ये एक्स पारियों में जो एवरेज था, तो करेंगे 70 - 2 तो ये माइनस कर दो, प्लस प्लस, अब ये जो 20 आ रहा है, ठीक है, 20 4 पारियों में खेला है तो 4 × 20, अब 70 में 20 को मुझे घटाना पड़ेगा तो 70 में 20 घटाएंगे तो 50 आ इक्वल टू 0 कर दें। अब ये जब मैं इसे इस पार ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ 2x - 2x इक्वल टू आ जाएगा 5 × 2 आ गया, ठीक है, इधर माइनस है, ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया, x बराबर जब हम निकालेंगे तो अपना 100 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 100 x बराबर 100 आ गया, यानी कि ये जो शुरू में x क्या थी हमारी पारियाँ थी, शुरू पे जो जितनी पारियाँ खेली थी, यानी शुरू पे उसने 100 पारियाँ खेली और बाद में कितनी पारियाँ खेली 4 पारियाँ खेली, तो टोटल पारियाँ कितनी हो गई, टोटल पारियाँ जो हो जाएंगी अपनी 100 + 4 104 पारियाँ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ऑप्शन कौन सा अपना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किताब को 96 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन पहले आपको समझना है क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि हमारे पास कोई किताब है, उस किताब को मैं जब 96 रुपये में बेचूंगा, जब मैं उसे 96 रुपये में बेचूंगा तो उसमें जो भी प्रतिशत लाभ हो रहा है, लाभ में जो भी परसेंटेज लाभ हो रहा है उस बुक के कॉस्ट ऑफ प्राइस के बराबर, उस बुक को जो भी बनाने में लागत आ रही है उसके कॉस्ट ऑफ प्राइस, तो अब मुझे लाभ बनाना है। तो देखिए इस मेथड को अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा समय, कम से कम 5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि पहले हम उसके बराबर करेंगे जो प्रतिशत लाभ है, उसके बाद करने के बाद अपने पास क्या होगा कि अपने पास है सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघाती समीकरण बने, अब द्विघाती करने के लिए हमें 1 से 2 मिनट लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या होगी और फिर आएगा, तो इसलिए कि इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है कि अपना जो 96 आ रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो रहा है 96, तो मैं क्या करूँगा इस 96 के 2 ऐसे फैक्टर निकालना है
कि जिनका अंतर 10 हो, ठीक है, तो मैं 96 के दो फैक्टर ऐसे निकाल लूँगा कि 16 और 6, ठीक है, 16 और 6 के बीच में कितना अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्राइस अपने क्या हो जाए, अब कुछ नहीं करना, ये 16 और 6 आ गया ना, तो देखो अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 160 हो गया और ये 60 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो अपना निकला कॉस्ट ऑफ प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस निकला, ठीक है, सीपी निकल आ गया, ठीक है। लेकिन देखो अब देखो 160 कॉस्ट ऑफ प्राइस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसे प्रॉफिट हो रहा है और उसे सेलिंग 96 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो 96 रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो अपना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्राइस आ गया 60। अब यदि कॉस्ट ऑफ प्राइस 60 आ गया और वो 96 में बेचता है, तो 96, देखिए मैं आगे लिख नहीं रहा, ये 96 लिख के दे रहा हूँ, तो अपना जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा कि 96 यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्राइस, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, जी अपना सी ऑप्शन है, बेस्ट तरीका यही है। और इसमें सिर्फ आप इसके इस ट्रिक के माध्यम से 2 से 3 सेकंड में करेंगे, मैं बताया थोड़ा मुझे टाइम लगा, लेकिन आप 2 से 3 सेकंड में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बता, देखो ये कोई भिन्न दी हुई है, हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है, तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, इसके अगले एक और वीडियो अपलोड किया था उसमें भी बता चुका हूँ कि क्या करना पड़ता है। देखो इसमें ट्रिक क्या है कि देखो अगर मैं 11 में 37 को भाग दूंगा तो ये फ्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि सबसे पहले हम इन दोनों पे अंतर देख लें, अंतर क्या देखें कि हमें नीचे वाले में ऊपर वाले घटाना है, ऊपर वाले में मत घटा देना तो माइनस ले लिया जाए, तो नीचे वाले 37 में जब मैं 11 को घटा रहा हूँ तो ऐसे सारे में घटाते हुए हमें चलना है, तो जब हम मैं घटाऊँगा तो यहाँ 6 हो जाएगा और ये 3 में घटाएंगे 26 हो गया, ठीक है, 20। अब ये जो 26 आ रहा है इसे हम 11 में भाग दे देंगे, ठीक है, देखो अब 11 बटे 26, अब देखो 11 में 26 भाग देना थोड़ा आसान हो गया, फ्रैक्शन ये 37 कुछ ज़्यादा था, अब जब इसे मैं भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0423। इसी तरह इस क्वेश्चन में कर लेंगे, अब इसके लिए जब मैं 39 में 39 और 39 में घटा रहा हूँ 17 को, तो ये अपना आ जाएगा 22, अब ये 22 आएगा 17 में भाग दे देंगे, 17/22, तो ये अपना आ जाएगा 0.772। नेक्स्ट के लिए भी सेम ही करना है, 67 में हम घटा देंगे 23 को, तो ये अपना आ जाएगा 46, 21/46 बराबर ये अपना आ जाएगा 0.456। नेक्स्ट के लिए भी सेम करेंगे, तो 43 माइनस 21 क्या करेंगे, ये अपना आ जाएगा 22, अब क्या करेंगे 21 बटे जब 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आ जाएगा 4.954। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला सबसे छोटी भिन्न बताना है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, देखिए 4 वाला होगा, 4 वाला, ये 4.5 है या 4.2, यानी कि ये ऑप्शन इस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि हमें बताना है इसमें, इस देखो सेम क्वेश्चन है, बस बताना है हमें बड़ी भिन्न बता देना है कि बड़ी सबसे बड़ी भिन्न, बस सेम टू सेम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 71 में जब मैं 38 को घटाऊँगा 71 में तो मेरा क्या आएगा, मेरा जो सॉरी 71 माइनस 38 इक्वल टू 33 आ जाएगा। अब 38 में 33 को मैं भाग दूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 1.151, ठीक है। अब 81 में 50 को माइनस करूँगा, ये आ जाएगा 31, तो 50/31 जब मैं कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1.612। देखिए मैं कैलकुलेशन आपको करा नहीं रहा कि आप कर लीजिएगा, क्योंकि तुम फालतू में टाइम बर्बाद होगा, ये बहुत ही आसान आराम से आप लोग कर देंगे। अब देखो 87 माइनस 49 आ जाएगा 39, अब कर लूँगा 49/39 इक्वल टू, ये जो आंसर आ जाएगा 1.256 आ गया, 6 है। अब नेक्स्ट के लिए 117 में जब मैं 63 को घटाऊँगा तो ये मेरा 54 आ जाएगा, अब 63/54 जब मैं कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1.16। अब मुझे सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी 1.16 है, बी ऑप्शन इसको। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें
हम 53rd लेके आएंगे 18 जुलाई का, ठीक है। उसमें मैथ के सारे क्वेश्चन कराएंगे 1 से लेके 10 तक, उस वाले मैथ के वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो थैंक यू, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।